ये पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से लिया गया पाठ है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में इस पाठ का सार और व्याख्यान करेंगे। नेताजी का चश्मा, अर्थात पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी नेता के चश्मे की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके चश्मे की बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे की। पूरे के पूरा पाठ जो है नेताजी के जो चश्मा है उस पर आधारित है। तो कहानी कैसे शुरू होती है? एक हलदार साहब है, ठीक है, जो कहाँ आते हैं, एक छोटे से कस्बे में, अक्सर जो है कामकाज के सिलसिले में एक कस्बे में आते हैं। बहुत छोटा सा कस्बा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि दो स्कूल है यहाँ पे, एक गर्ल्स का स्कूल है, एक बॉयज का स्कूल है। तो केवल दो ही स्कूल है, मतलब कितना छोटा सा कस्बा है यहाँ पे। एक कारखाना है, दो एयर ओपन सिनेमा घर है और एक नगर पालिका। अब नगर पालिका के विषय में क्या बताते हैं लेखक कि भाई नगर पालिका है ना कुछ कार्य जरूर करवाती रहती है। मतलब छोटा सा कस्बा है परंतु उसके अंदर कुछ ना कुछ कामकाज में नगर पालिका के जो कार्य होते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे कार्य जो है नगर पालिका अक्सर करवाती रहती है यहाँ पे। इसमें कभी कोई कमी नहीं रहती। तो कुछ दिनों तक जो है हलदार साहब जब यहाँ आते हैं तो वो इस कस्बे का पूरा चित्रण बताते हैं। अब इस कस्बे के बिल्कुल चौक में, ठीक है, बीच में जो है एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनी हुई है। अब ये जो मूर्ति बनी हुई है ना, इसके चश्मे के ऊपर ही कहानी है, ठीक है। तब सुभाष चंद्र जी जो है, सुभाष चंद्र बोस का है, आप चित्र याद करो कि वो जो है खाकी वर्दी पहना करते थे और जो है चश्मा लगाया करते थे, ठीक है। तो जब हलदार साहब जी यहाँ पहुंचे, यहाँ देखा, वो चौक पर आए, ठीक है। अक्सर वो इस चौक के पास ना एक पान वाले की दुकान हुआ करती थी, तो इस दुकान पर वो अक्सर आया करते थे, रुक जाया करते थे पान के चक्कर में। तो पान के चक्कर में अब जब वो रुकते थे तो उनकी सबसे पहले तो उनकी जो है नजर इस नेताजी की जो तस्वीर है ना इस पर पड़ती है। अब तस्वीर क्या होती है, उनकी जो है तस्वीर जो बनी हुई थी उस पे ना जो चश्मा लगा, पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, ठीक है। पत्थर की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था ना, वो चश्मा जो है वो पत्थर का बना हुआ नहीं था। अब अगर पत्थर की तस्वीर बनी है तो चश्मा भी पत्थर का ही बना होना चाहिए, पर चश्मा क्या था, जैसा नॉर्मली हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, ऐसा चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। तो अब एक से दो बार हो गया जो है हलदार साहब यहाँ से गुजरे तो क्या देखते हैं, और चश्मा जो है ना वो अलग तरीके का चश्मा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो गोल फ्रेम का चश्मा डालते थे, ठीक है। उनका चश्मा कैसा होता था, गोल फ्रेम का। पर यहाँ जो चश्मा लगा हुआ था वो उन्होंने कभी तो चौरस फ्रेम वाला चश्मा देखा, कभी किसी आकार का, कभी किसी आकार का। तो एक बार जो है वो पान वाले से अक्सर पूछने चले गए, मतलब पान वाले के पास तो वो जाते ही थे, तो वो पूछने लगे कि भाई ये जो नेताजी का चश्मा है सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर पे, जो ये मूर्ति पर लगा हुआ है, इसका क्या किस्सा है और ये मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई। तो ऐसे ही पान वाले से बातचीत के दौरान हलदार साहब को पता चलता है कि भाई ये जो चश्मा है ये कौन बदलता है, ये कैप्टन नाम का एक आदमी है वो बदलता है। और ये जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये मूर्ति है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, यहाँ पे एक विद्यालय है जिसका एक जो है ड्रॉइंग टीचर है, ठीक है, उसको जो है क्या 1 महीने का टाइम मिला था इस तस्वीर को बनाने के लिए, इस मूर्ति को बनाने के लिए, ठीक है। उस ऊपर से जो है इसका बजट बहुत कम था, ठीक है। एक अच्छे मूर्तिकार को बनाने के लिए दिया जाता तो हमारे पास क्या पैसे होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ कि सरकारी कामकाज है भाई ये, तो इसमें क्या मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं कहा गया पार्ट के अंदर, पर ऐसी चीजें बताई गई हैं कि भाई हो सकता है ये कुछ कारण रहे होंगे कि अच्छा बजट नहीं बैठा और कागजी कार्यवाही बहुत बड़ी थी और हमें इस चौक पे मूर्ति बना के रखनी थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो अपने ही जो स्कूल थे ना यहाँ पे सरकारी विद्यालय, तो यहाँ पर ही एक हमारे ड्रॉइंग के टीचर हुआ करते थे, तो उसको जो है ये मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया। अब उस मूर्तिकार ने जो है मूर्ति तो बना दी पर चश्मा नहीं लगाया, ठीक है। अब हलदार साहब सोचने लगे कि भाई चश्मा नहीं बनाया तो चश्मे के पीछे की क्या कहानी होगी। एक तो उनको पता चल गया कि भाई बजट बहुत कम था, तो वो ऐसे ही अनुमान लगाने लगे कि जब जो ड्राइंग मास्टर था, अगर वो जब ये मूर्ति बना रहा था तो क्या हुआ होगा, हो सकता है वो पत्थर से ही जो है मतलब पत्थर का ही चश्मा बना रहा होगा, पर ज्यादा उसमें सफाई देने के लिए उसे हो सकता है उसने उसको उसको मतलब बनावट करते करते हम जो है ना कलाकारी उसके अंदर करते रहते, तो वो सोचे कि ना बनाते बनाते हो सकता है वो टूट गया होगा, या फिर ये हो सकता है कि पत्थर था, आप पत्थर का चश्मा बनाते तो उसमें पारदर्शिता कैसे, जैसे चश्मे का ग्लास कैसा होता है ना, ट्रांसपेरेंस होता है, हमारे पार देख सकते हैं। तो वो ये सारे कुछ अनुमान लगाने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसका तो कुछ पक्का नहीं हुआ कि भाई क्या बात हुई होगी, या फिर पैसे कम रह गए होंगे और 1 महीने का ही टाइम था केवल मूर्ति बनाने का। तो ये कुछ चीजें उन्होंने जो है ड्राइंग मास्टर के बारे में सोच दी। उसके बाद पान वाले के द्वारा पता चलता है क्या कि जो नेताजी के चश्मे पर जो बदलते रहते थे ना,
एक बार हल्दार साहब जी आए उस रोड से गुजरे, पान वाले के पास पहुंचे, तो वो देखते हैं कि भाई इन्होंने कभी तो गोल तरीके का चश्मा लगा रखा है, कभी चौरस लगा रखा है, मतलब अलग अलग डिजाइन के अलग अलग आकार के चश्मे हर बार बदले मिलते थे। तो जो है हल्दार साहब से रहा नहीं गया और ये पहुंच गए पान वाले के पास पूछने के लिए। तो पान वाले ने इनको बताया कि भाई ये जो चश्मा है ये कौन बदलता है, ये कैप्टन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है। तो हलदार साहब सोचे कि भाई मतलब हलदार साहब क्या है, वो देशभक्ति अगर किसी व्यक्ति में दिख जाती है ना, तो उसके प्रति एक अजीब उनके मन में ना एक सम्मान का भाव बढ़ जाता है उस व्यक्ति के प्रति, कि भाई कोई देशभक्ति है। मतलब किसी को ऐसा हुआ होगा कि नेताजी तो हमेशा ही जो है क्या करते थे, चश्मा लगा के रखते थे। अब अगर वो चश्मा लगा के रखते थे और अगर हमने क्या देखा कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है, तो किसी देशभक्त ने क्या किया, वो चश्मा उठा के उनको लगा दिया। अब ये सोचे कि ये जो कैप्टन है ये सच में कैप्टन होंगे, तो इन्होंने पूछने का प्रयास किया कि भाई पहले तो ने जब हलदार साहब को पता चला कि भाई कैप्टन कैप्टन जो है आके इनका चश्मा बदल देता है, पर चश्मा बदलने का कारण वो समझ नहीं पाते। पर पान वाले के द्वारा बताया गया कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बदल देता है। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या कैप्टन कोई प्राचीन मतलब कोई सैनिक वैनिक होगा, कोई पुराना सैनिक है, कौन है कैप्टन? तो पान वाला जो है वो हंसने लगा, वो कह रहा था कि वो क्या जो है मतलब कैप्टन थोड़ी ना है वो तो बस उसका नाम पड़ा हुआ है किसी तरीके से। और ये जो कैप्टन था, और पान वाले से जो है हलदार साहब पूछने का प्रयास करते हैं और प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो उत्सुक थे इस बारे में जानने के कि चश्मे के पीछे का किस्सा क्या है, कि क्यों हर बार जो है चश्मा बदल जाता है और कैप्टन क्यों चश्मा बदलता है। तो पान वाले ने बताया कि भाई कैप्टन जो है ना वो चश्मा बेचता है, ठीक है। अब चश्मा बेचता है तो अगर किसी ग्राहक को मान लो नेताजी ने चौरस चश्मा लगा रखा है, ठीक है, उसके पास ज्यादा चश्मे तो है ही नहीं, तो वो क्या करता है कि अगर ये वाले ग्राहक अगर ये वाला चश्मा मांगने आता है, तो ये ग्राहक को ये वाला चश्मा उतार के नेताजी के ऊपर से चश्मा उतार के बेच देते हैं और यहाँ पे कोई दूसरा फ्रेम वाला जो है चश्मा लगा देते हैं। तो ये बात हलदार साहब को जो है बहुत अच्छी लगती है कि भाई कोई तो है देशभक्त जिसको जो है नेताजी के सम्मान के लिए वो जो है उनका चश्मा जो है कि अधूरी मूर्ति है तो उसको पूरा करने के लिए उसमें चश्मा लगा देते हैं। अब जो है पान वाले से ज्यादा जब ज्यादातर हलदार साहब आते थे और पान वाले से बातचीत करते, एक बार को वो चिढ़ गया, ठीक है। तो फिर जो है हलदार साहब को बुरा लगा, वो हंस रहा था कैप्टन के ऊपर, तो उनको जो है बुरा लगा कि भाई एक तो क्योंकि कैप्टन में क्या दिखता है, हमें देशभक्ति का भाव दिखता है, ठीक है। तो देशभक्ति का भाव अगर किसी व्यक्ति के अंदर दिख रहा और आप उसके ऊपर हंस रहे, तो हलदार साहब को गुस्सा आ गया। तो पान वाला जो है ना वो उन पर हंस रहा था, तो इसलिए जो है हलदार साहब को गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो पान वाला ना ऐसे ही चिढ़कर बोल देता है कि जाओ कैप्टन से ही पूछ लो, वो आ रहा कैप्टन। अब हलदार साहब कैप्टन से के पास कैप्टन को देखते हैं, वो सोचते हैं कि कैप्टन जो है क्या होगा, कि सच में कोई सैनिक होगा। इस बात पे जो है पान वाला हंस पड़ता था। तो अब देखा गया जब कैप्टन कैसा था जो चश्मा बेचता था, तो बहुत मरियल सा एक बुड्ढा था जो एक छोटी सी संदूक के अंदर चश्मे वगैरह रखा करता था और उसमें जो है चश्मे वो बेचा करता था। तो यहाँ पर ये कहानी थी, ठीक है। पर हलदार साहब को यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। अब कुछ समय बाद क्या हो गया, हलदार साहब रेगुलर आने लगे, तो रेगुलर वो देखते हैं कि भाई चश्मा बदल जाता है बदल जाता है, ठीक है, उनको अच्छा लगता था। और वो हमेशा यहाँ पे इस चौक पे चौक से जब भी वे गुजरा करते थे तो इस तस्वीर को जरूर देखा करते थे। मतलब उनको एक आदत ही हो चुकी थी इस तस्वीर को देखने की, इस मूर्ति को देखने की। अब एक बार जब वो आए तो वो क्या पाते हैं कि इस मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा हुआ कोई। अब चश्मा नहीं लगा हुआ तो ये तो अचंभे वाली बात हो गई, तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि आखिरकार हुआ क्या, कि यहाँ से चश्मा कहाँ चला गया, कैप्टन कहाँ चला गया, कैप्टन तो रोज चश्मा बदला करता था मतलब। तो फिर अब क्या हुआ, फिर ये पान वाले के पास पहुंचते हैं, तो पान वाला भी बड़े ही दुखद भाव से बताता है कि क्या हुआ है, कि जो हमारा कैप्टन था ना वो बेचारा मर गया। तो अब हलदार साहब को बड़ा दुख होता है कि एक तो बेचारा यहाँ पे एक देशभक्त था जिसको जो है नेताजी की मूर्ति के बारे में को लेकर भावुक था, वो उसके देशभक्ति भाव नजर आ रहा था कि वो जो है चश्मे को बदल रहा था बार बार। तो अब हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चले गए। अब उसके बाद अगली बार जब उन्होंने आना था, मतलब हमेशा वो अपने ड्राइवर को बोलते थे कि इस चौक के ऊपर रुक के जाना है, क्योंकि वहां से पान खरीदते थे और इस तस्वीर को जो है वो अच्छे से देखा करते थे, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता था ये जो चश्मा जो इस तरीके से लगा हुआ था यहाँ पे। अब हलदार साहब का मन नहीं था इस बार यहाँ से जाने का, क्योंकि चश्मा यहाँ पे लगा हुआ नहीं होगा। अब उन्हें पता है ना कि पिछली बार जब आया था तो चश्मा यहाँ पे था नहीं लगा हुआ इस मूर्ति के ऊपर, तो अभी भी नहीं लगा होगा, क्योंकि जो चश्मा लगाने वाला कौन आदमी था वो कोई कैप्टन था, और वो कैप्टन की तो मृत्यु हो गई क्योंकि वो पहले से ही बहुत बुजुर्ग था। अब हलदार साहब का जो है इच्छा नहीं हुई रुकने की, तो वो क्या कहते हैं, वो ड्राइवर को कह देते हैं कि भाई जो है यहाँ आज रुकना नहीं, आज बहुत सारे काम है, तो सीधे चलना। पर जब इसी रोड से गाड़ी जब गुजरेगी तो आपको आदत हो चुकी है रोज यहाँ पे देखने की, तो आप अपने आप को कैसे रोकोगे। और वही हुआ, हलदार साहब ने जो है ना चाहते हुए भी जो है इस ओर आते ही एकदम से उस मूर्ति की तरफ देख ही लिया। मतलब वो चाहते नहीं थे देखना, पर उन्होंने देख लिया। अब देख लिया तो वो वहां पर क्या पाते हैं कि मूर्ति के ऊपर जो है चश्मा लगा हुआ था।
अब ये वो और आश्चर्य हो गए और एक प्रसन्नता का भाव। तो गाड़ी उन्होंने जो है मतलब गाड़ी निकालने को बोला था तो ड्राइवर तो रुकेगा भी नहीं ना। जैसे ही उनकी नजर तस्वीर पर पहुंची, उस मूर्ति पर पहुंची, तो वो देखते हैं कि भाई उसने तो चश्मा लगा रखा है फोटो ने मूर्ति में। तो वो एकदम से जो है कहते हैं कि रोको, जल्दी से ड्राइवर को बोलते हैं कि रोको। और ना मतलब गाड़ी का ब्रेक भी बहुत जल्दी से लगता है, तो सारे लोग जो है देखने लगते हैं। और हलदार साहब जो है ना जल्दी से मतलब उतर के जो है मूर्ति तक पहुंचते हैं और वो चश्मा लगा देखते हैं। और फिर वो पान वाले के पास तक पहुंचते हैं, तो पान वाले के द्वारा पता चलता है कि बच्चों ने जो है शायद इस चश्मे को जो है लगा दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। और चश्मा किस तरीके का लगा हुआ था, वो छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह सी नहीं होती हैं, उनको काट के मोड़ के जो है किसी तरीके से जो है चश्मा यहाँ पे लगा रखा था। तो जिस तरीके का चश्मा यहाँ पे लगा हुआ था, तो हलदार साहब को ऐसा ही मालूम हुआ कि बच्चों ने शायद जो है बच्चों से देखा नहीं गया होगा, तो बच्चों ने घास फूस का चश्मा बना के जो है नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। तो ये इस बात से भी जो है भाव जागृत होता है कि आज भी आज के जमाने में जहाँ लोग ठीक है अपने अपने में लगे बैठे, वहां पर भी इन जैसे देशभक्तों के लिए उनके मन में देशभक्ति का भाव है, उनके मन में उनके प्रति मान है कि उनकी तस्वीर अधूरी है तो हम उसे पूरा करें। तो ऐसे ही जो है कहानी का अंत हो जाता है यहीं पर कि पहले तो जो है कोई चश्मा नहीं, पहले तस्वीर पर कोई चश्मा ही नहीं था, उसके बाद कैप्टन साहब आके चश्मा लगा देते थे, ठीक है। ये बात देखकर हलदार साहब बहुत खुश होते थे। उसके बाद अब जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तो चश्मा कौन लगाएगा, तो फिर उन्होंने देखा कि अब घास फूस का चश्मा लगाया, मतलब लोगों में आज के समय में भी कहीं ना कहीं देशभक्ति का भाव जीवित है, तभी वो जो है नेताजी की जो तस्वीर है जो मूर्ति है उसको वो अधूरा देख ही नहीं पाते। तो बस यही पाठ का सार था। पाठ का व्याख्यान कर लेते हैं। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में अर्थात जहां पे सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है, से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मतलब कस्बा बहुत छोटा था, जैसा मैंने आपको पहले बताई दिया, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान और जैसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। अर्थात कुछ ही मकान पक्के थे, बाकी सारे कच्चे मकान बने हुए थे, ठीक है। कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा और एक तो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो अब देखो यहाँ पे मतलब बिल्कुल जरूरतमंद चीजें, क्योंकि छोटा सा कस्बा है ना, तो केवल दो स्कूल बना दिए गए, लड़के का लड़की का सिनेमा हॉल बना दिया गया, एक नगर पालिका, मतलब एक जरूरत वाली चीज है, इस कस्बे में सब कुछ मौजूद थी, ठीक है। अब यहाँ पे बताते कि क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ कार्य करवाती रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा लिया, मतलब नगर पालिका खाली नहीं बैठती थी, इस कस्बे में कुछ ना कुछ काम किया करती थी। अक्सर यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं ना वहाँ पे कामकाज नहीं किया जाता, परंतु हलदार साहब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हलदार साहब जो इस पाठ के प्रमुख पात्र रहे हैं वो क्या बताते हैं कि यहाँ की नगर पालिका जो है वो चलती फिरती थी, मतलब वो काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अर्थात यहाँ पे इसी नगर पालिका के उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, तो कौन होते हैं ये लोग, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, वो जो हमारे अधिकारी हैं नगर पालिका में जो काम करते हैं, जो कार्यरत हैं, उनमें से ही किसी एक अधिकारी ने, कोई मतलब पुराना कोई अधिकारी होगा, ठीक है, वरिष्ठ, तो उस अधिकारी ने क्या किया होगा कि शहर के मुख्य चौराहे पर, मतलब मेन जो चौराहा है ना, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की क्या संगमरमर की अर्थात पत्थर की मूर्ति की प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति लगवा दी। अब वह मूर्ति की कहानी अलग है, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, अर्थात पूरी की पूरी प्रतिमा है, एक मूर्ति है, परंतु हम पूरी मूर्ति की नहीं, मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के ऊपर जो है ये कहानी है, जो क्या है, एक चश्मा है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है, अर्थात पूरी बात लेखक को नहीं पता है, परंतु अनुमान के आधार पर कई सारी चीजों का जो है अंदेशा लगा लिया गया, ठीक है, कि क्या हुआ होगा। ऐसी स्थिति जैसे हमें कुछ कहानी पता चल जाती है, कुछ नहीं पता चलता, तो हम अंदाजा सा लगा के जो है उसको पूरा कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे बताते हैं लेखक कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने की और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की
घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। देखो बहुत बड़ा वाक्य है, परंतु इस वाक्य में क्या बताया गया है कि देखो बहुत अच्छे मूर्ति, क्योंकि छोटा सा कस्बा है तो बहुत अच्छे मूर्तिकारों की इनको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। नगर पालिका के सदस्यों की बात करें कि उनको जानकारी नहीं होगी, और बजट की सबसे बड़ी बात है, सरकारी कार्य भी अगर आप करवा रहे हो तो आपको जो है बहुत सारा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसको भेजो फाइल, उसको भेजो फाइल, तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और समय क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई सरकार ऐसे ही तो किसी भी चीज के लिए पैसा तो देगी नहीं, किसी भी चीज के लिए कहीं वो 1 रुपया भी खर्च करे तो उसके लिए पूरी कार्यवाही तो की ही जाएगी ना। तो अब वो यहीं पर जो है वो ये चीज बताते हैं कि जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। ये चिट्ठी पत्री जो बताया गया, ये चिट्ठी पत्री यही है कि बहुत सारी कागजी कार्यवाही हुई हुई होगी। और यहां पर जो है चिट्ठी पत्री होगी, और उसके बाद आएगा ऊहापोह, समय। समय का ऊहापोह क्या होता है कि मतलब जैसे द्वंद, कोई तो कह रहा है, द्वंद होता है ना, जैसे कि मन ही मन में चल रहा है, ठीक है, दुविधा में फंसे हुए हैं कि करवाएं ना कराएं, क्या किया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है किनके बीच में चल रही थी, जो शासन अधिकारी के थे वहां पे, जो नगर पालिका में काम करने वाले थे उनके, तो उनको जो है अंदाजा लगा लिया कवि ने कि ऐसा कुछ जो है जरूर हुआ होगा, जिसके कारण जो है मूर्ति इस तरीके से बना के रख दी गई है। अब मूर्ति के बजट के कारण क्या किया गया कि हमें मूर्तिकार नहीं मिला, और सरकार द्वारा हम अगर पैसे की आन जान की जो है वो ही करते रहेंगे कि वो बनवाएगी मूर्ति और उनके थ्रू हमें जो है पैसा मिल जाएगा, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा समय जो है वो निकल जाएगा। और क्या है शासन अवधि, तो जो यहाँ के नगर पालिका के शासन करता है ना, उनकी शासन अवधि बहुत कम होगी, मतलब समाप्त होने वाली होगी। उससे पहले उनको अच्छे काम करने हैं ना, मतलब किसी की भी शासन अवधि मान लो 5 साल है, अब उसके 5 साल बचे हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ से उसका तबादला हो जाएगा, तो किसी भी कारणवश अगर वो यहाँ से उसकी शासन अवधि जो है खत्म होने वाली है, तो वो क्या करेगा, उससे पहले सारे के सारे काम अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकता है वो निपटा के जाएगा। तो उनको यहाँ पे मूर्ति बनवानी थी, तो इस मूर्ति के चक्कर में वो जो है क्या करते हैं कि जल्दी में काम करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्थानीय कलाकार, मतलब उसी कस्बे में कोई एक मूर्तिकार हो, उसी से हम काम चला लेते हैं। अब वो मूर्तिकार कौन था, और अंत में कब्जे कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, ठीक है। अब हमारे पास कोई मूर्तिकार तो था ही नहीं, जैसा कि कस्बे के चित्रण में बता दिया गया था कि भाई कस्बे में ये सारी चीजें हैं, तो मूर्तिकार तो है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा जो है कस्बा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में, ठीक है, तो क्या था, एक ड्राइंग मास्टर हुआ करते थे। अब उन ड्राइंग मास्टर को मान लीजिए मोतीलाल जी, ठीक है, ड्राइंग मास्टर का नाम यहाँ पे बताया गया है मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, अर्थात उनके द्वारा ही ये जो है मूर्ति बनाई गई है, मोतीलाल जी के द्वारा ही। हमारे पास कोई मूर्तिकार नहीं था, पर हमारे पास क्या था, एक ड्राइंग का टीचर था, हमने उस ड्राइंग के टीचर को ही जो है इस मूर्ति को कार्य को बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, जो महीने भर में पूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब ये जो ड्राइंग मास्टर है ये भी महान व्यक्ति था, इसने कह दिया कि भाई एक महीने में मैं तो मूर्ति बना के रख दूंगा, ठीक है, पटक देने मतलब जो है एक तरीके से बड़े रॉब से उसने बड़ी गर्व से कहा होगा उसने कि भाई मैं तो एक महीने में बना के दे दूंगा, मैं मूर्तिकार नहीं हूं परंतु मैं बना के दे दूंगा एक महीने में, तो ये वाली बात हुई होगी, ऐसा अनुमान लगा लिया गया। अब ऐसा ही कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, ठीक है, अब मूर्ति बन गई, ऐसा हमने जो है अनुमान लगा लिया कि स्टोरी क्या हुई होगी इस मूर्ति को बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या स्टोरी रही होगी, वो यहाँ पे जो है लेखक ने अपने अनुमान के अनुसार बता दी। अब इसके बाद की कहानी आते हैं, अब मूर्ति पर आते हैं, मूर्ति हमारी बनके एक महीने में तैयार हो चुकी है। जैसे ही कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, संगमरमर का पत्थर होता है ना, तो उसकी मूर्ति बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, अर्थात जो मूर्ति का साइज है वो बताया गया है कि यहाँ पे जो 2 कोट के 2 बटन होते ना, तो यहाँ तक मतलब छाती तक ही जो है वो मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी, जो मूर्ति बनी गई थी वो सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कुछ कुछ मासूम, मासूम मतलब मासूमियत उनके चेहरे से दिख रही थी, ठीक है, और कमसिन मतलब बिल्कुल नौजवान से, किशोर से, ठीक है, नाबालिग से जैसे होते, तो ऐसे वो लग रहे थे, नौजवान थे, मतलब जवान जवानी सी वो बनाई गई थी जो मूर्ति थी, फौजी वर्दी में थे। अब जो उन्होंने एक वस्त्र पहना हुआ था वो किस तरीके का पहना हुआ था, मतलब वो संगमरमर के पत्थर का ही बना हुआ था, वो कैसा था, वर्दी थी उनकी, ठीक है, खाकी वर्दी जो वो पहना करते थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता था, अर्थात ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तो ऐसे ही उनका यही नारा, जैसे ही मूर्ति देखी
देखी जाती थी ना, तो सुभाष चंद्र बोस को, मतलब किसी को भी अगर आप देखो तो उससे कोई बात रिवाइंड आ जाती है ना कि इसके साथ ये वाला किस्सा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस का ये वाला जो ये जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये वाला जो भाषण था इनका, ये जो डायलॉग था ना, ये बहुत ज्यादा था। तो इसलिए जो जैसे ही देखा गया इनकी मूर्ति को, तो लेखक को अचानक से वही याद आ गया कि देखते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो ये वाला जो जो नारा था, ये उनको एकदम से याद आ गया। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अर्थात अगर किसी भी देशभक्त को उनको देखते ही, मूर्ति को देखते ही अगर ये नारा याद आ रहा है, तो सराहनीय बात है। ठीक है, सराहनीय क्या मतलब? प्रशंसा, उसकी बड़ाई करने वाली बात है कि उसने जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनाई है, जिसको देखते ही जो है हम उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं, एक कनेक्शन जो है वो महसूस करने लगते हैं। कैसा कनेक्शन? देशभक्ति का कनेक्शन, जैसे हमें उनका नारा याद आ गया। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटक रही थी। अब बाकी सब चीजें तो यहां तक भाई अच्छी हो गई, परंतु एक चीज की कमी जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ गई। अब वो कमी क्या थी? चश्मे की कमी थी, क्योंकि चश्मा यहाँ पे था ही नहीं। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य सा। अर्थात चश्मा लगा हुआ था तस्वीर पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, और तस्वीर किसकी बनाई गई थी? वो मूर्ति संगमरमर के पत्थर की। ठीक है, परंतु यहाँ पे सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अर्थात यहाँ पे क्या था, देखो, चौड़ा फ्रेम, वो कैसा चश्मा पहनते थे? गोलाकार का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें जो चश्मा दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? चौड़े फ्रेम का, चौड़ा काले फ्रेम की मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब अगर आप तस्वीर बना रहे हो तो चश्मा भी आप पत्थर का ही बनाओगे। ठीक है, पर यहाँ पे लेखक ने क्या देखा कि चश्मा जो है वो दूसरे फ्रेम का, और वो भी चश्मे का जो आकार है वो वाला नहीं है जो होना चाहिए था। ठीक है, जैसा नेताजी जो है जो चश्मा लगाते थे वैसा वाला चश्मा नहीं था, चश्मे का आकार भी दूसरा ही था। फिर जो है वो बताते हैं, हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। अर्थात इसे लक्षित किया अर्थात देखा। ठीक है, उनका ध्यान गया, लक्षित होना अर्थात ध्यान जाना, तो उनका ध्यान कहाँ गया? उस मूर्ति पर चला गया कि ये जो मूर्ति है इस पर जो चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा कैसा है? इतना चौड़े फ्रेम का ये चश्मा तो भैया नहीं लगता, और ऊपर से तस्वीर जो है वो किसकी है? वो तो पत्थर की तस्वीर, और चश्मा जो है वो असली का लगा रखा है, तो ये बात क्या है? उनके चेहरे पर एक कोतु भरी मुस्कान फैल गई। कोतु भरी मुस्कान एक जो होती है ना, जानने किसी चीज को जानने वाली, उत्सुकता वाली, ठीक है, जिज्ञासा सी भर गई, और वह ऐसी सी मुस्कान जो है वो हंस पड़े कि भाई ये क्या है। ठीक है, चश्मा किसी चश्मा असली लगा रखा है, और जो जो मूर्ति बना रखी है वो पत्थर की बना रखी है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, तो उनको जो है एक हंसी मजाक सी, एक ठिठोली सी छूट पड़ी कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तस्वीर तो आपने मूर्ति की पत्थर की बना दी और चश्मा तुमने रियल रख दिया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। मतलब मूर्ति ने पहली बार में ही, पहली बार उन्होंने देखा चश्मा दूसरा लगा हुआ था, पत्थर की मूर्ति थी, तो पहली बार में उस मूर्ति ने ना हलदार साहब के मन में जो है एक हलचल सी पैदा कर दी। और गाड़ी आगे जा चुकी है, मतलब वो चौराहे पे रुके थे पान खाने के लिए, अब उनकी गाड़ी आगे जा चुकी है, परंतु उनके ध्यान में अभी भी वही किस्सा चल रहा है। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अर्थात वो इस बात पे हंस तो रहे थे, परंतु वो ये कहते हैं कि भाई ये प्रशंसनीय बात है, ये क्या है, ये तारीफ के काबिल बात है कि उन्होंने जो है ये सोचा कि अगर चश्मा तस्वीर पर नहीं लगा हुआ है तो उन्होंने दूसरे तरीके का चश्मा लगा दिया, तो इस बात को सराहना दी जानी चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, भावना अगर किसी चीज से जुड़ी हुई, आपके मनोभाव अगर किसी की किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो वो चीज मैटर करती है, ना कि उसका रंग रूप। तो तस्वीर चाहे कैसे भी हो, लोगों की जो है उससे क्या जुड़ी हुई है? भावनाएं जुड़ी हुई है कि ये हमारे नेता है, और नेता की आंखें जो है वो अधूरी है, मतलब वो जो मूर्ति है वो अधूरी है क्योंकि उस पर चश्मा नहीं लगा हुआ, तो लोगों ने जो है वहीं से ही कोई आर्टिफिशियल चश्मा जो है वो उठा के लगा दिया। ठीक है, मतलब जो पत्थर का नहीं है, नॉर्मल जो चश्मा था वो लगा दिया गया, तो इस बात को जो है वो बहुत ज्यादा सराहनीय मानते हैं। और बाकी के जो देशभक्त हैं वो कैसे हैं कि आज तो भाई देशभक्ति एक मजाक सा नाम हो गया, अच्छा तुम देशभक्त हो तो देश के लिए क्या करोगे, तो मतलब एक मजाक वाली बात हो चुकी है। और ऐसे ऐसे आज के टाइम पे अगर कोई जो है उस मूर्ति तक के लिए इतना अच्छा भाव रख रहा है तो वो सच में प्रशंसनीय बात होगी।
दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे, अभी पहली बार आए तो ये किस्सा हो गया, ठीक है, यहाँ तक पहली बार की बात है। अब दूसरी बार जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं, हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब मूर्ति पहले जैसी नहीं थी, उसमें कुछ फर्क आ गया था। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। अब पहले जो चश्मा देखा था वो हमने बड़े फ्रेम वाला देखा था, ठीक है। अब चश्मा हम कैसा देख रहे हैं, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर, चौकोर अर्थात चौरस, ठीक है था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तार के फ्रेम वाला, तार से बने चश्मे होते हैं ना मेटल वाले, ठीक है, तो तार का जो है फ्रेम वाला चश्मा था वो भी कैसा था, गोल चश्मा था। हलदार साहब का कौतुक और बड़ा, कौतुक अर्थात उनकी उत्सुकता बढ़ गई। क्या बढ़ गई कि भाई आखिर ये किस्सा क्या है, लोग इस तरीके से चश्मा कैसे लगा रहे हैं। उस दिन तो एक तो वो चश्मा दूसरा था, ठीक है, पत्थर का बना हुआ नहीं था, और उस दिन मैंने वो चश्मा देखा, आज इन्होंने चश्मा बदल दिया, तो ये चक्कर क्या है। तो इसको जानने की जो है ना उनके अंदर उत्सुकता से बढ़ गई, वो जिज्ञासा से भर गए कि मैं जान के रहूंगा आखिर कि हुआ क्या, चक्कर क्या है ये। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती। अब देखो ये भी हंसने वाली बात है कि सही बात है भाई, कपड़े तो हम बदल नहीं सकते मूर्ति, क्योंकि वो तो पत्थर के बने हुए हैं, पर चश्मा तो ऊपर से लगाया ना हमने, तो चश्मा हम बदलते रहते हैं, चलो ये भी ठीक है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, अब तीसरी बार आए तो फिर नया चश्मा। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब ये उनकी आदत पड़ चुकी है, वो जब भी यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस चौक पे रुकेंगे, पान खाएंगे और मूर्ति को निहारेंगे। तो ये उनका रोज का काम बन गया, जब जब भी वो 15 दिन में एक बार यहाँ आते थे और यही काम करते थे। एक बार जब कोतूहल दुर्दमनीय हो उठा, अब एक बार इनका जो कोतूहल था, इनकी जो उत्सुकता थी, वो क्या हो गई, दुर्दमनीय अर्थात एकदम जिद इन्होंने पकड़ ली, एकदम हट पकड़ लिया, ठीक है, क्या कि भाई मैं जान के ही रहूंगा कि आखिर ये किस्सा क्या है, ये बात क्या है, आखिर ये चश्मा जो है वो बदला कैसे जाता है, यहां से ये चश्मा जो है बदलता कौन है। तो इस बात पर जो है वो उन्होंने हट पकड़ लिया, ठीक है। कोतूहल का अर्थ हो गया कि उत्सुकता, जानने की जिज्ञासा, जानने की ललक जो हो गई, ठीक है, और दुर्दमनीय का अर्थ होगा जिद पकड़ लेना। तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि आज तो भाई मैं जानकर ही रहूंगा। उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। अब उनको ऐसी उत्सुकता उठी तो उन्होंने क्या किया, पान वाले के पास तो जाते ही थे पान खाने, तो आज उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब उन्होंने पान वाले से पूछना शुरू कर दिया, अब पान वाला उन्हें जवाब देगा। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाले अक्सर मोटे ही होते हैं, ठीक है, तो काला मोटा सा खुश मिजाज मतलब हंसता खेलता सा जो है पान वाला था, हसमुख पान वाला था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब उसकी आंखें एकदम से चमक सी गई, आंखों की हंसी होती ना तो इस तरीके से वो हंसी, उसकी तोंद थिरकी और हल्की सी एक तोंद थी ना, वो मोटा था तो उसकी तोंद भी जो है वो हिल पड़ी, मतलब उसको हंसी आ गई एक अंदर ही अंदर से इस प्रश्न पर कि भाई चश्मा कैसे बदल जाता है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात जो हलदार साहब ने प्रश्न पूछा था कि चश्मा कैसे बदल जाता है हर बार, तो अब पान वाला बताता है कि कौन बदलता है इस चश्मे को, कैप्टन चश्मे वाला जो है चश्मा आकर बदल देता है। क्या करता है, हलदार साहब को समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया, ठीक है, अर्थात जो कैप्टन है वो आकर क्या करता है, चश्मा बदल देता है मूर्ति से। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, मतलब हलदार साहब सोचे कि भाई चेंज करने की क्या जरूरत है चश्मे को। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौखट चाहिए, चौड़ा चौखट अर्थात चौड़े फ्रेम वाला चश्मा अगर चाहिए तो क्या करते हैं, तो कैप्टन किधर से लाए, किधर अर्थात किधर से लाए, ठीक है, अगर चौड़े चश्मे वाला जो है चश्मा किसी ग्राहक को चाहिए तो वो क्या करेगा, चश्मा कहाँ से लाएगा, तो वो जो है तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर अर्थात उधर दूसरा बिठा दिया, अर्थात दूसरा चश्मा जो है वहां पे लगा दिया। अर्थात अब समझ में आया कि जो जो चश्मे वाला है, जो कैप्टन है, वो क्या करता है, अपनी ही जो चश्मे वो बेचता है उनमें से एक चश्मा लगा देता है मूर्ति पर, और फिर अगर कोई ग्राहक को वैसा चश्मा चाहिए होता तो वो मूर्ति पर से हटा देता है वो चश्मा, ग्राहक को बेच देता है और फिर दूसरा चश्मा वहां पर लगा देता है। तो ये काम जो है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हलदार साहब को बात कुछ समझ में आई, एक चश्मे वाला है, मतलब इतनी बातें हो गई थी, मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दी, पर अभी हलदार साहब यहाँ पे समझा रहे हैं कि मेरे को क्या चीज समझ में आई है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब उसको जो है दुख पहुंचाती है ये वाली जो तस्वीर है, बिना
जो मूर्ति है वो बिना चश्मे की तस्वीर उसको जो है दुख देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा ही हो रही हो। मतलब जैसे होता है ना कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, अगर अपने आपने चश्मा नहीं लगा रखा, जो लोग चश्मा लगाते हैं तो समझो कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आपने चश्मा नहीं लगा रखा, आपको अगर घड़ी पहनने की आदत है और एक दिन आप घड़ी पहने बिना चले जाओ बाहर तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। तो ऐसे ही जो है वो बता रहे हैं हल्दार साहब कि ऐसा लगता है कि मानो चश्मे वाले को जो है ऐसा लगता है कि जैसे नेताजी को ना असुविधा हो रही है चश्मे के बिना, इसलिए वो चश्मा लगा रहते हैं। इसलिए वे अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार अर्थात जरूरत, दरकार का अर्थ होता है जरूरत होती है तो मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अर्थात ये बात जो है इनको समझ में आई है अब हल्दार साहब को कि चश्मे वाला जो है क्या कार्य करता है कि जब कोई ग्राहक आता है तो नेताजी का चश्मा उतार के दे देता है और उसे दूसरा चश्मा जो है बाद में दूसरा चश्मा आकर लगा देता है। तो ये बात हल्दार साहब को समझ में आ गई है। वाह भाई खूब क्या आइडिया है, ठीक है। अब इस आइडिया की भी वो वाहवाही करते हैं कि भाई ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई कर तो रहा है ना ऐसा आज के समय में वो भी। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हल्दार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। अर्थात ये भी सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर मूर्ति पत्थर की बनी हुई थी तो चश्मा पत्थर का क्यों नहीं बना गया, उनका जो ओरिजिनल चश्मा था आखिर वो कहाँ गया। पान वाला पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, थिरकी का मतलब हिली एकदम, हंसते हुए तोंद जिसकी हिलती है ना जो मोटा होता है, तो कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया। मतलब वो भी हंस रहा है पान वाला जो है वो मास्टर की हंसी उड़ा रहा है फिलहाल यहाँ पे कि भाई मास्टर जो है वो चश्मे पे जो मूर्ति का है ना वो चश्मा ही बनाना भूल गया होगा, ठीक है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, मतलब पान वाला जो है इस बात को तो जो है बता दिया गया कि भाई पान वाला एक हंसमुख आदमी है तो वो तो मजे ले रहा था इस बात के, लेकिन हल्दार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, चकित अर्थात चौंका देने वाली, हैरान करने वाली, और द्रवित अर्थात मतलब मन को पसीजा देने वाली, मतलब कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो पिघल रहा है कि ऐसे कैसे मूर्तिकार जो है वो चश्मा ही बनाना भूल गया, जब पूरी तस्वीर के अंदर चश्मा भी है तो चश्मा भी बनाना चाहिए। तो ये बात जो है उन्हें कहीं ना कहीं जो है क्षति पहुंचा रही थी, उन्हें दुख पहुंचा रही थी इस बात से, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का एक अध्यापक था, अर्थात उन्होंने क्या देखा कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, तो ये उन्होंने जो है तस्वीर पर नाम पढ़ा था कि मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, एक मास्टर के द्वारा बनाई गई है, ये मूर्ति पर लिखा हुआ था। तो आज जो है जो ये बात इनको अब पता चली है कि चश्मा वो मास्टर जो है वो बनाना भूल गया था, तो उस बात के लिए वो कहते हैं कि जरूर अब तो पक्का ही हो गया कि ये जो मूर्ति जो है वो अध्यापक के द्वारा ही बनाई गई है। बेचारे ने अब उन्हें पता था कि एक महीने का टाइम मिला, ठीक है, तो अब वो उसको जो है जो मास्टर था जिसने मूर्ति बनाई है उसको कह रहे हैं कि बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि उसने ऐसा, मतलब फिर से वो अनुमान पे पहुंच चुके हैं, जो हल्दार साहब है वो फिर से अनुमान पे पहुंच चुके हैं और अपने आप ही वो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई मूर्ति बनाने के लिए मास्टर साहब को एक महीने का समय मिल गया होगा, ठीक है, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। अर्थात उन्होंने क्या सोचा होगा, हल्दार साहब सोच रहे हैं कि मास्टर जी चश्मा क्यों नहीं बना पाए होंगे, तो वो सोचते हैं कि भाई पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, ठीक है, पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखा जा सके, तो ऐसा चश्मा वो कैसे बना पाते। उसके बाद वो बताते हैं कि कांच वाला यह तय नहीं कर पाए होंगे कि कांच वाला बनाऊं या पत्थर वाला बनाऊं, अगर पत्थर वाला बनाऊं तो उसमें पारदर्शिता कैसे आएगी, या कोशिश की होगी और असफल रहे होंगे, या हो सकता है उन्होंने प्रयास तो किया ही होगा बनाने का परंतु वो असफल रहेंगे, उनसे नहीं हुआ होगा, या बनाते बनाते और बारीकी के चक्कर में, बनाते बनाते होते ना कि हम उसे और फिनिशिंग दे रहे हैं तो और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, तो ऐसी कोई घटना घटी हुई होगी, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, उफ
आप ये सोच रहे थे ना, ये सारे के सारे थे, तो उफ उफ शब्द से आप समझो कि वो परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या इनके चश्मे के साथ, जो चश्मा बना ही नहीं गया। तो ये सारी बातों का वो जो है आइडिया लगा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुब भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान से पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अर्थात यहाँ पे देखो कि जो चश्मे वाला था, चश्मा वाला क्योंकि चश्मा बदल रहा था, चश्मा लगा रहा था, तस्वीर को बिना चश्मे के नहीं छोड़ रहा था, तो इसमें उसका देशभक्ति भाव दिख रहा था। तो इस देशभक्ति भाव के आगे, समक्ष का मतलब सामने, ठीक है, साक्षात, तो इस देशभक्त के बातों को सोचकर जो है जो हलदार साहब है वो नतमस्तक होते हैं, मतलब उसके आगे सर झुकाते। असली में उसके आगे सर नहीं झुकाया था, बस ये एक भाव है कि वो नतमस्तक हुए और होते हुए वो क्या करे, वो जीप की तरफ जाकर जीप में बैठ गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजादी हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब क्या हुआ कि उन्होंने जाए गए और फिर क्या करने लगे कि मतलब वो अभी जीप की तरफ वापस आ रहे थे, आते आते उनको फिर एक दिलचस्पी हो गई बात के अंदर। मतलब एक होता ना कि भाई इतनी जिज्ञासा उनको इस चश्मे के पीछे कि वो वापिस आए हैं वापिस पान वाले के पास। अब पान वाला जो है वो चिढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि कैप्टन साहब जो है, जो जो हलदार साहब है, वो हमेशा कैप्टन वाले की बात करते रहते हैं। अब वो पूछते हैं कि कैप्टन आखिर है कौन, वो नेताजी का साथी था क्या, और या आजाद हिंद फौज का जो पूर्व भूतपूर्व अर्थात पुराना कोई सिपाही होगा, तो है कौन ये? तो पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा। अर्थात ध्यान से देखने का मतलब आप समझो कि अब उसे जो है कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है बार बार इस बात को सुनते हुए, ठीक है। और वो पान खाने ही वाला था, उसके हाथ में पान था, तो पान उसके मुंह से जो है कम से कम 2 इंच की दूरी पर, 1.5 इंच की दूरी पर था, और उन्होंने जो है अपने हाथ को रोककर सरदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब उनको इस बात पे भी हंसी आ रही है, ठीक है, किस बात पे, कि वो जो है लंगड़ा है, कौन? चश्मे वाला लंगड़ा है। हलदार साहब पूछ रहे हैं कि चश्मे वाला क्या कोई फौजी था, कोई सैनिक था? तो यहाँ पे पान वाला जवाब देता है कि भाई वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा कहाँ फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो देखो। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो लंगड़ा है ये पागल है। हलदार साहब इस पागलपन को सुन पाएंगे कि एक जो देशभक्त व्यक्ति है चश्मे वाला कैप्टन जो है वो देशभक्ति अपनी दिखा रहा है, यहाँ पे जागृत कर रहा है, तो हलदार साहब भी देशभक्ति है, ठीक है, देशभक्त है वो भी, तो वो कैसे उसके मुंह से सुन लेंगे। तो पान वाला उनको क्या कहता है कि वो एक तो लंगड़ा है, ठीक है, दूसरा वो पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अर्थात ये बात जब उन्होंने चिढ़कर बोल दी कि फोटो वोटो छपवा लो कहीं, तो ये बात जो है हलदार साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आवक रह गए। अवाक का अर्थ होता है बिल्कुल हैरानी से जो है उसको देखा, मतलब जैसे ही उन्होंने उस चश्मे वाले को देखा ना, तो वो एकदम से हैरान से हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में, देखो यहाँ पे पहले यहाँ रुकते हैं, एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा था, ठीक है, बहुत मरियल हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही मरने को आ गया है वो आदमी, ठीक है, और सिर पर उसने गांधी टोपी लगा रखी। तो गांधी टोपी पर भी ध्यान देना कि एक तो वो चश्मा लगा रहा है, ऊपर से उसने गांधी टोपी लगा रखी है, गांधी टोपी उसने लगा रखी है मतलब वो गांधी जी को भी जो है मानता है, ठीक है। दूसरा सुभाष चंद्र बोस जो है, अगर उनकी तस्वीर पर भी वो चश्मा लगा रहा है तो वो भी वो उनका उनका भी मान रखता है, ठीक है। तो इन दोनों ही हमारे देशभक्तों की जो है वो मान रख रहा है, उनके मान में मतलब एक लगा लो कि वो उनका फैन है, चश्मे वाला जो है वो गांधी जी का भी सुभाष चंद्र बोस का भी फैन होगा, तभी वो जो है गांधी टोपी भी लगा रखा, और इन सब चीजों से ही उसका देशभक्ति भाव झलकता है। आंखों पर उसने काला चश्मा लगाया हुआ था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची, संदूकची क्या होती है, जो संदूक होती है ना उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब जो केवल हाथ में ही आ जाए, ठीक है, तो वो संदूकची, और एक हाथ में एक बांस टंगे बहुत से चश्मे लिए, मतलब एक बांस था, जो पुराने समय अगर हो तो आपने आप छोटी जगह जाओ तो वहां पे ऐसे होता है, बांस के ऊपर जो है रस्सी ऐसी बांध के जो है कुछ उसके ऊपर सामान वगैरह टांग के जो है लोग बेचा करते हैं। तो ऐसे ये एक लंगड़ा आदमी था, सोचो, जो इतना देशभक्त दिखाया गया यहाँ पे कि एक लंगड़ा व्यक्ति है जो एक बांस के ऊपर चश्मों को लगाकर एक संदूकी सी हाथ में उसने पकड़ रखी है, और वो लंगड़ा भी है,
वो चश्मे भी बेच रहा है और जो है वो सुभाष चंद्र जी का बॉस जी का चश्मा भी बदल रहा है, ठीक है। तो ये जो है भाव देखकर जो है हलदार साहब थोड़े से चौंक जाते हैं। एक बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे, एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। अब क्या हुआ था, एक गली से वो चश्मे वाला जो है वो कैप्टन वो बाहर आया। बाहर आके उसने, एक बंद दुकान थी तो उस बंद दुकान के सहारे अपना जो उसके पास बांस था ना चश्मे वाला जिसपे उसने चश्मे लटका रखे थे उसको जो है उसने टांग दिया। उसके सहारे मतलब बंद दुकान के सहारे जो है उसने अपना बांस जो है वो टिका दिया था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। अर्थात हलदार साहब ने क्या देखा कि इस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, तो बेचारा फेरी लगा लगा कर मतलब घूम घूम कर, फेरी का मतलब घूमना, तो घूम घूम कर वो जो है अपना चश्मा बेचता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यही क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अर्थात पान वाले ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, परंतु उसके जो हाव भाव थे, जो वो कह रहा था कि फोटो छपवा देना उसकी, वो तो पागल है पागल। तो इस बात से जो है हलदार साहब को अंदाजा लग गया कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो क्या हुआ कि अब हलदार साहब को एक और क्वेश्चन हो गया कि भाई इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, ठीक है, मतलब इनकी उत्सुकता जो है खत्म नहीं होती, जानने की जो इनकी जिज्ञासा है ना वो खत्म ही नहीं होती। कभी किसी बात पे जो है उनको कुछ चीज जाननी है, कभी कोई चीज जाननी है। तो अब उनको जानना है कि कैप्टन को ये जो हमारा चश्मे वाला है इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब पर पान वाला तो बात करने को तैयार नहीं है। अब तो अब क्या करेंगे, तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उन्हें पता चल रहा था कि ड्राइवर भी बेचैन हो रहा है कि उसको जो है जल्दी से मुझे लेके वहां जाना है, काम पर लेकर जाएगा वो, ठीक है। तो ड्राइवर भी यहाँ पे खड़ा खड़ा बेचैन हो रहा था क्योंकि भाई इसमें इंटरेस्ट तो मेरा है ना इस चश्मे के अंदर, उसका इंटरेस्ट थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए वो जो क्या करता है, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए, अर्थात हलदार साहब क्या करे, जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मों को देखते रहे। अर्थात 2 साल तक वो जो है यहाँ पर आते रहे, ठीक है, और यहाँ जो ये चश्मा था ये चश्मा बदलता हुआ देखते गए वो। अब क्या हुआ, कभी गोल गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। अर्थात वो बताते हैं कि इस तस्वीर पर जो है चश्मा जरूर होता था। आप देख सकते हो कि ये लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, बूढ़ा सा है, चश्मा लगा रहा है नेताजी की जो है आंखों पर, और इसका जो है एक संदूकी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है बांस का खंबा है जिसके ऊपर उसने ऐसा एक फ्रेम सा बना रखा है जिसके ऊपर उसने सारे अपने चश्मों को टांग रखा है। तो ये जो है क्या कि हलदार साहब जो है यहाँ पे पूरे 2 वर्ष तक आते हैं और 2 वर्ष तक वो हमेशा यहाँ रुके हैं और हमेशा नेताजी के चश्मे को देखकर जाते रहे हैं। अलग अलग तरीके के चश्मे यहाँ पे देखे गए हैं। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अर्थात क्या था कि ये जो यात्रा थी ये क्या थी, ये जो है उनको हमेशा एक उत्सुकता देती थी जानने की, और प्रफुल्लता और एक प्रसन्नता भी होती थी। प्रसन्नता क्या होती थी कि आज भी लोगों में जो है देशभक्ति का भाव जीवित है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, मतलब ये एक लंगड़ा व्यक्ति कर ही कह सकता है, परंतु देशभक्ति भाव हमें जहां कहीं मिले दिखाने को वो हम अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति चेहरे पर कोई भी फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अर्थात 2 साल तक जो वो लगातार आते रहे, तब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें चश्मा हमेशा मिला, परंतु इस बार अब जब वो आए तो कोई भी चश्मा नहीं दिखा, किसी भी प्रकार का हमें जो है चश्मा वहां पर नहीं दिख रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, अर्थात उस चौराहे की बहुत सारी दुकानें भी बंद थी और पान की दुकान भी बंद थी। मतलब ये 15 दिन में एक बार आते, तो अब इस बार जब वो आए थे तो अब अगली बार वो 15 दिन बाद आएंगे। तो इस बार क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भाई चश्मा भी नहीं है यहाँ पे मूर्ति पर लगा हुआ और पान वाले की दुकान भी नहीं है। तो ये क्या कहने का मतलब है कि अगर चश्मा नहीं है मूर्ति का तो मैं किससे जान सकता हूँ, मैं पान वाले से जान सकता, परंतु पान वाला तो यहाँ पे है नहीं और बाकी की कुछ दुकानें भी बंद थी। तो अब क्या करें, तो अब उनकी जो जिज्ञासा हुई कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे, तो अब वो कैसे जानेंगे, ठीक है। तो अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, अब अगली बार आए, अब अगली बार भी आएंगे ना वो 15 दिन बाद दोबारा फेरी लगाने हैं, तो फिर क्या पाते हैं, यहाँ पे फिर चश्मा नहीं है। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है।
मतलब इन्होंने देखो बात करने का एक तरीका होता है, हम किसी से जो है हंसमुख तरीके से ही बात करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं सीरियस होके नहीं कर सकते, क्योंकि अनजान आदमी है भाई, पान वाला है, और उसको भी जो है फ्रेंक होना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर के साथ आपको फ्रेंक होना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ, तो वो भी इसी तरीके से बोलते हैं क्यों भाई क्या बात है, आजकल आपके नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाले से जो है वो पूछते हैं ऐसा, तो पान वाला उदास हो गया, मतलब हर बार पान वाला हंसता था परंतु इस बार पान वाला भी उदास उनको दिखाई दिया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिर से धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब अभी वो उस कैप्टन को क्या कहता था कि वो पागल है, वो लंगड़ा है, ठीक है, पान वाला ये कहता था, परंतु अब वो मर चुका है। और यहाँ पे हलदार साहब को बताते हुए पान वाले की खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैप्टन जो है वो मर गया, जो चश्मे वाला था वो मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब, मतलब हलदार साहब भी एकदम से सुन से रह गए ये बात सुन के कि वो एक अच्छा आदमी था भाई, चश्मे वाला अच्छा काम करता था, और वो अब नहीं रहा। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। अब उन्हें बुरा लगा, हमेशा आते थे, उत्सुकता बनी रहती थी, परंतु इस बार जो है उन्हें बुरा लगा और वो जो है चुपचाप आके जो है आगे बात ही नहीं कर पाए। नहीं तो हमेशा क्या होता था, पान वाले से उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ पूछना होता था, तो इस बार उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं आगे, कुछ वो पूछ ही नहीं पाए और वो चुपचाप जाके जो है जीप में बैठ गए और वहां से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस, अब देखो यहाँ पे वो सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, अर्थात यहाँ पे जो है लेखक हलदार साहब क्या सोचते हैं कि आखिरकार जो हमारे देश की कौम है, ठीक है, जो देशभक्ति कौम है, जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, उन लोग वो लोग क्या करते हैं अपने घर गृहस्थी से, अपने जीवन से, मतलब नॉर्मल हमारी तरह लाइफ तो नहीं है ना उनकी, हमेशा वो सरहद पर ही रहते हैं, ठीक है, तो वो ये सब चीजों से जो है हट जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे लोग जो है उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या मिलता है, मतलब हम जैसे लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए परंतु हम क्या करें, हम उनका जो है मजाक उड़ाते हैं। और वो क्या है, वो बिकने के मौके ढूंढते हैं, अर्थात वो जो है देश के लिए कुछ कर मिटने का, कुछ कर सकने का जो है वो मौका ढूंढते हैं। जैसे जो है ये चश्मे वाला था, एक चश्मे वाला लंगड़ा था परंतु फिर भी वो कोशिश करता था अपना देशभक्ति के भाव को जो है किसी तरीके से व्यक्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज जो है हलदार साहब बताते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, अब जो है हर बार आते थे, पहली बार आए जब वो 2 साल बाद जब वो पहली बार आए तो अब पहली बार जब उन्हें चश्मा नहीं दिखा, दूसरी बार आए तो दूसरी बार उनको पान वाले से पता चल गया कि जो है कैप्टन मर गया है चश्मे वाला, इसलिए जो है अब चश्मा जो है बदला नहीं जा रहा। अब अगली बार क्या होता है, वो अब तीसरी बार आए हैं, तो तीसरी बार जब वो आए 15 दिन बाद फिर कस्बे में आए, फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि अब कस्बे में वो घुसने ही वाले थे, मतलब उस चौक पे वो जाने वाले थे, उससे पहले जो है हलदार साहब को ख्याल आ जाता है कि कस्बे की हृदय स्थली अर्थात हृदय को छू देने वाला, जो स्थल स्थली का अर्थ होता है स्थल, ठीक है, एक तो हो गया हृदय अर्थात हृदय दिल, और स्थली होता है स्थान, तो हृदय स्थली का अर्थ होगा कि हृदय को छू जाने वाला एक जो प्रसिद्ध स्थान था वो क्या था, वो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति थी वही चौक पर जो वो लगी हुई थी। तो उनको क्या ख्याल आता है कि कस्बे की वही हृदय स्थली जो सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, अर्थात उन्हें क्या धारणा था कि मूर्ति तो वही होगी परंतु अब उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था, अब वो क्या याद करते हैं, मास्टर बनाना ही भूल गया था, और कैप्टन मर गया, मतलब पूरी कहानी यही है कि कैप की जो है मास्टर ने चश्मा बनाया नहीं था, कैप्टन वाला कैप्टन मर गया जो चश्मा लगा दिया करता था, तो अब क्या सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अर्थात उनको क्या ये बात बुरी लग रही थी अब कि चश्मा जो है नेताजी की आंखों पर नहीं मुझे दिखेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस बार ना तो मैं वहां रुकूंगा, ना उस मूर्ति को देखूंगा, और ना ही मैं पान खाऊंगा। तो पहले ही, मतलब वहां पे पहुंचने से पहले ही उनको ये ख्याल आ चुका था, तो उन्होंने पहले ही ड्राइवर को बोल दिया, ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अर्थात अब देखो, अगर ये ड्राइवर हमेशा अगर इनके साथ आता तो ड्राइवर को भी अनुमान लग जाएगा कि जरूर कोई ना कोई बात इनको कहीं ना कहीं जो है लग रही है, नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हलदार साहब जो है जो यहाँ पर कभी रुके ना हो। और आज ऐसा क्या हो गया, आज ऐसा कितना ज्यादा काम हो गया जो वो यहाँ पे आज रुकने को नहीं कह रहे, परंतु क्या आदत से मजबूर है, रास्ता तो वही है ना, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, अर्थात वो
एक होते ना चोर सी नजर से, हम मन को तो समझा रहे पर एक चोर सी नजर वहां पे पड़ी जाती है। और क्या हुआ कि हलदार साहब ने सोचा था मैं नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, परंतु क्या हुआ, आदत है भाई देखने की, और हमने चोर सी आंखों से उन्होंने वहां पे देख लिया। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, अर्थात उनकी नजर जैसे ही उस मूर्ति पर पड़ी और वो जोर से जो है चिल्ला पड़े, कौन, हलदार साहब की, रोको, ड्राइवर को उन्होंने कहा रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, अर्थात ड्राइवर ने बड़ी जोर से जो है ब्रेक मारी, क्योंकि गाड़ी फुल मतलब नॉर्मल स्पीड पे थी, क्योंकि उसको आगे जाना था, उसको पता ही था रुकनी तो है ही नहीं। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ना रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अर्थात क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही कहा जीप को रोको, जीप रुकेगी ना, स्पीड में है ना वो, तो एक हद तक ही तो रुकेगी, परंतु हलदार साहब जो है कि जीप तो बाद में रुकेगी, मतलब रुकती रुकती से वो रुकेगी, धीरे धीरे स्पीड कम होती है ना, परंतु क्या हुआ हलदार साहब उस गाड़ी से जो है उतर गए, और उतर के जो है तेज कदमों से मतलब तेज तेज जल्दी जल्दी चलते हुए वो जो है मूर्ति की तरफ लपके, मूर्ति के पास जाके लपकते हुए पहुंचे, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन से खड़े हो गए, अटेंशन से खड़े होते हैं ना जैसे, तो ऐसे ही एकदम जो है वो अटेंशन में खड़े हो गए उस मूर्ति के सामने। अब मूर्ति में उन्होंने क्या देखा, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, अर्थात जो मूर्ति थी, मूर्ति ने चश्मा लगाया हुआ था, और वो मूर्ति पर जो चश्मा लगाया हुआ था वो किस चीज का चश्मा था, वो सरकंडे का बना हुआ था, अर्थात सरकंडा जो है झाड़ी जैसा कुछ पौधा सा होता है, और उसका जो है वो चश्मा सा बना के जो है वो लगाया हुआ था, मतलब असली चश्मा लगा हुआ था। पहले जो है जैसा हम लोग चश्मा लगाते ना, पहले तो उन्होंने वैसा चश्मा लगाया होता था, परंतु आज क्या है, आज वो क्या देख रहे हैं, चश्मे वाला भी भाई देखो गरीब आदमी है, चश्मा खरीद के तो लगा नहीं सकता, तो एक हमारा चश्मे वाला था, उसके पास जो चश्मे हुआ करते थे वो चश्मा लगाते थे, परंतु आज वो क्या देख रहे हैं कि घास फूस से ही बनाया हुआ एक चश्मा जो है वहां पे लगा रखा है, जैसे बच्चे बना लेते हैं, अर्थात ऐसा चश्मा बनाया हुआ था कि जैसे बच्चे खेल खेल में चश्मा बना के नहीं बना बना के खेलते हैं, तो ऐसा ही एक चश्मा जो है उस तस्वीर पर लगा हुआ था। तो वो ये सब देख के क्या हो गए, वो भावुक हो गए, अर्थात वो कहीं ना कहीं वो जो है भावनाओं में मतलब उनको जो है एक रुवासापन आ गया, वो रोने से आ गए कि वो भावुक हो गए, ऐसा जो है लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव देखकर कि है उन लोगों के पास कुछ नहीं, परंतु यहाँ पे जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति है उसके प्रति उनका एक अलग ही लगाव है, ठीक है, इसलिए वो जो है भावुक हो जाते इस बात को सोच के, इसी बात पर उनकी आंखें भर आई, और यही बात सोचकर जो है उनकी आंखें भर आई कि देखो एक जो है हमारा कैप्टन था, लंगड़ा था, चश्मे वाला, जो खुद गरीब था, चश्मा बेच बेचकर अपना गुजारा चला रहा था, बिल्कुल मरियल सा वो बुड्ढा था, परंतु फिर भी वो जो है सुभाष चंद्र जी की बॉस की जो मूर्ति है उसको बिना चश्मे के रहने नहीं देता। तो और आज भी यहाँ पे जो है ऐसा चश्मा किसी ने बना के लगा दिया जैसे बच्चे खेल खेल में चश्मा बनाकर लगा देते हैं, तो ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये सच में जो है एक बहुत गंभीर बात थी, जो दिल को छू जाने वाली बात थी कि लोगों के मन में जो है आज भी यहाँ के इस कस्बे के लोगों में जो है देशभक्ति का भाव जीवित है।